ईरान में हिजाब पर तमाशा, महिलाओं की आजादी से खिलवाड़, शरिया के नियमों को महिलाओं ने तोड़ा, हिजाब नहीं पहना तो कर लिया गिरफ्तार। हमारे देश में हिजाब पर भारी बवाल मचा था। शिमोगा में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या भी कर दी गई थी। मांग थी कि शिक्षा के संस्थानों में छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत मिले, लेकिन अब दुनिया का एक देश ऐसा भी है जहाँ छात्राएं इससे आजादी की मांग कर रही हैं। ताजुब की बात यह है कि वो देश इस्लामिक मूल्यों के आधार पर चलता है, मतलब जहाँ कानून है वहाँ आजादी की मांग है, और जहाँ आजाद सोच है वहाँ विरोध है। इस्लाम के नियमों पर हंगामा अब ईरान में भड़क रहा है। रूढ़िवादी देश महिलाओं की आजादी को छीन रहा है। यहाँ महिलाएं जब बिना हिजाब पहने सड़कों पर नजर आई तो कट्टरवादी संगठन भड़क गए और इस्लामिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन करने वाली महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया। जब मामले ने तूल पकड़ा तो शिराज पुलिस प्रमुख पराग शोजाई ने सफाई दी। शोजाई ने कहा, न्यायपालिका के सहयोग से कई अपराधियों और इसके आयोजन से जुड़े लोगों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। ईरान की सोशल मीडिया पर शिराज में आयोजित गोल्ड केक बोर्डिंग डे का वायरल वीडियो हो रहा है। वीडियो ने धार्मिक कट्टरपंथियों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है। अब जरा ईरान के उन कट्टर नियमों को जरा विस्तार से समझिए जिन पर बवाल और तनाव बेहिसाब देखने को मिला है। ईरान के कट्टर नियमों को समझिए। महिलाओं और पुरुषों का एक साथ डांस करना मना है। महिलाओं का हिजाब के बिना घूमना मना है। ईरान के खिलाफ पश्चिमी देशों की सॉफ्ट वॉर। ईरान में निकाला जाएगा मार्च। एक तरफ जहां ईरान के नियमों की पूरी दुनिया भर में जग हसाई हो रही है, तो वहीं इस मामले के बाद भारत में मामूली सी बात पर दंगा करने वाले लोगों को भी संदेश साफ हो गया है कि आज के वक्त में दुनिया में आजादी की मांग है, गुलामी की नहीं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।